हेलो ना दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए एक 3030 का ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ और एक 12012 का सेल्सोन का ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ। ये 3 एम्पियर में है 12012 का, ठीक है। और ये जो इसमें है अपना 3030 का अपना ये ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में हम जानते हैं सब कुछ। यहाँ पे ये अपना 3030 है, ठीक है। दोनों ग्रीन वाली 30 वाली वायर है, ये ब्लू वाली वायर जो है ये ग्राउंड है, और इधर अपना 012 है येलो वाली वायर, और ये 220 वोल्ट वाली वायर है रेड वाली। ओके मेरे भाइयों, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों को पता ही है एम्पलीफायर बोर्ड्स के बारे में। ये अपना 5219-43 में ये 4 MOSFET वाला बोर्ड लेके आया हूँ मैं, सेल्सन का ओरिजिनल, ठीक है। तो ये 2024 का बोर्ड है दोस्तों, इसकी देखिए ग्रीन पीसीबी में है, कुछ इस तरीके का बोर्ड है। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके साथ अपने को ये कपलर भी मिलते हैं फ्री। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे, ठीक ही रहेंगे। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तो ये देखिए ये अपना ओरिजिनल इसमें 2SC5200, 2SC1943 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा, मैं शो करा देता हूँ। ये देखिए ये 2SC5200 और 2SC1943, यहाँ पे 4 MOSFET यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। और ये जहाँ तक रही बात इसकी आउटपुट की, तो ये 200 वाट RMS का है, बट ये स्टीरियो में है। इसमें अपने को सप्लाई भी मिल जाती है, यहाँ पर इसकी AC वाली वायर जुड़ेगी 3030, और यहाँ पे जो है आपका इनपुट होगा, ये दोनों कनेक्टर से जो नीचे यहाँ पे इनपुट होगा, और ये आउटपुट के स्पीकर्स के हैं। यहाँ पे पीछे लिखा भी हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे SP लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको स्पीकर का आउटपुट मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपका इनपुट लगेगा, यहाँ पे जहाँ पे कनेक्टर लगे हुए इस कैपेसिटर के नीचे जो है, यहाँ पर आपको इनपुट देना है, इनपुट और ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से इस कनेक्टर के नीचे जो है कैपेसिटर के नीचे यहाँ पे इस भी अपना यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है भाइयों। यहाँ पर इनपुट होगा इस तरह ग्राउंड के ऊपर, तो और यहाँ पे कैपेसिटर आप लोगों को मिल जाते हैं 50 वोल्ट 4700 UF के। तो इसकी वायरिंग की वीडियो जो है मैं आप लोगों को अभी मोटा मोटा बता देता हूँ करके। तो ये अपने कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर्स इसमें यूज़ करेंगे हम, कुछ इस तरीके से हम सारे कनेक्टर्स आपके लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये तो हो जाएगा अपना स्पीकर्स का, ठीक है भाइयों। स्पीकर्स के कनेक्टर हमने ये लगा दिए, ये हमने स्पीकर के कनेक्टर्स लगा दिए। और अब आ जाते हैं इसके ऑडियो वाली बात। तो ऑडियो इनपुट जो है इस वाले कनेक्टर पे लगाएंगे हम, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कनेक्टर लग जाएगा। और ये वाला जो है अपना, ये भी ऑडियो इनपुट का है, ये जो बचा हुआ है, तो इस पर भी हम ये कनेक्टर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी वायरिंग है अपना। इन दोनों का जो ग्राउंड है, इन दोनों को ग्राउंड सेम करना है ऐसे, और ये अपना जॉइंट कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से जो लेफ्ट राइट अपना है, लेफ्ट राइट ऑडियो का अपना कनेक्टर, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेफ्ट राइट ऑडियो का अपना, ये अपना रेड वाला वायर है। और ये जो दो दो कनेक्टर्स है, ये राइट का स्पीकर का चैनल का है, ये लेफ्ट का चैनल का है, ठीक है। और ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे हम इस कपलर को लगाएंगे, यहाँ पे अपना जो है देखिए यहाँ पे
30-30 से ही चलेगा, 24-24 भी लगा सकते हो, 30-30 से भी लगाओगे इस बोर्ड में तो ये 30-30 पर भी चलेगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, चलेगा क्या दौड़ेगा एकदम, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट एम्प में वीडियो आपको बताएंगे, अपने एम्प में यूज़ करेंगे इसको, उसकी मैं वीडियो आप लोगों को एम्प की भी नज़र दिखा देता हूँ थोड़ी सी, एम्प कैसा है अपना। तो दोस्तों ये एम्प है अपना, यहाँ पे हम इस बोर्ड को सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, अपना 24-24 वाला ट्रांसफार्मर इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हटा के हम ये वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे 30-12 का। और ये अपना देखिए 100 वाट मोनो, ये भी 30 वोल्ट से चलता है, यहाँ पे इसका सप्लाई लिखा हुआ था 30-30 सब ऊपर बोर्ड 200 वोल्ट आउटपुट देता है ये। इसमें TTC 5200 लगाई है, 10,000 UF के कैपेसिटर है। और ये सेलकॉम का है अपना बोर्ड, बेस ट्रेबल मिड विद सबवूफर, इसमें सबवूफर की भी आउटपुट रहती है दोस्तों, और बेस ट्रेबल मिड भी रहता है साथ ही साथ, ओके। ये हो गया इसका मोटा मोटा कनेक्शन। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं इसकी वायरिंग की वीडियो जो है अगली वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है भाइयों। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें और तभी आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं ये सारा सामान सेट करके तब वायरिंग का वीडियो बनाऊंगा, ओके भाइयों। सामान तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बस आपको वायरिंग का वीडियो एक बार और दिखा दूंगा मैं, ओके। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।